लगातार सागर लोकायुक्त की कार्रवाई देखने को मिल रही है। छतरपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है। आज फिर एक बार सागर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों 10,000 की रिश्वत लेते रोजगार सहायक को पकड़ा है। हम आपको बता दें, मातगुआ के समीप रनगुआ में रोजगार सहायक जो पदस्थ हैं कपिल धारा कुआं और कुटीर के एवज में, उसने 40,000 रुपये की मांग की थी, जिस पर आज आवेदक जो हैं इनने 10,000 रुपये की रिश्वत देते पकड़ाया है। क्या नाम है दादा? हमारा नाम रामस्वरूप विश्वकर्मा। रामस्वरूप जी, कब से परेशान हैं और किसे? पाँच साल से परेशान है श्रीमान। हाँ, काय की वजह में मांगी थी, का कारण? के बाद में कि हमारा कुगा कपिल धारा का कुगा था, तो इसने कुगा को पैसा 50,000 दिए, इसने 50,000 रुपया दिए हैं और बाकी पूरा पैसा खा गया, तो वो पैसा भी नहीं मिला है। कुगा आज तक भिनकर डलो है हैं। और इसकी मतलब कुटी का जो है, तो कुटी के लाने कहते हैं कि आ रही तुम्हारी, आ रही पाँच साल से कुटी आ रही हमारी, वो तो हमारे अपात्र जगह अपात्र लिख दिया उनने हमारे लिए, तो जो हमारी जब अपात्र लिख दिया कहाँ से कुटी आ है। हमारी माता राम की कुटी आई तो उसके भी कह रहा है अभी नहीं आई है, अभी कह रहा था एक दिन पैसा डल गया है तुम्हारी माता राम के में। तो का जी प्रभारी सचिव के पद पर है जे? हाउस सचिव के पद पर है। हाउ तो टोटल कितने रुपये की मांग करी थी इनने? टोटल 40,000 की मांग। अब 30,000 कुगा के और 10,000 कुटी के। हमने चलो माता ही राम की कुटी हो जाए, हमारी नहीं हुई तो ना हो, तो हमें तो अपात बनाई दो उनने, लेकिन हमारी माता ही राम की कुटी कर जाए, बूढ़े आदमी नहीं कि बन जाए एक भैया, दो भैया हमारे और हैं, तो हमने उनके लाने हो जाए, हमारे लाना होगी तो ना भाई कोई बात। फिर सागर लोकायुक्त कैसे पहुँचे आप? सागर लोकायुक्त हम गए थे, हम परेशान हुए, तो फिर तो जे ही फिर हम, तो फिर हम लोकायुक्त के पास गए, फिर हम उनको लुवा के ले आए। फिर आज कहाँ पे दे रुपया कैसे पकड़ो? आज हमने मातगुआ पे बुलवाओ उनका, सुबह बोले मातगुआ पे हमको अभी टाइम नहीं है, वो छतरपुर जा रहे हैं हम, अभी तो हम भी सब छतरपुर जा रहे, तो हम भी चल रहे छतरपुर। कहाँ पे मिले जी तुम्हें? तो हमें जी इतने मिले ये अदालत के सामने, तो हमने बिठा रो और हमने महाराज लो जी हैं पैसा ले जाए और हमारा काम हो जाए भाई महाराज, हमारी कुटी हो जानी चाहिए, कुगा हो जाए तो वहाँ 40,000 की हम थोड़े थोड़े करके हम देवी 10,000 करके तुम्हारे पैसे दे देवी। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना है कि आवेदक 5 साल से परेशान होकर आज उसने लोकायुक्त की शरण ली और लोकायुक्त से उसको पकड़वाया है। बिल्कुल सागर लोकायुक्त की टीम बराबर सक्रिय है, ये आप हमारे सामने देख रहे होंगे, जो DSP राजेश खेड़े सर हैं और बराबर मुहिम चला रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार उनकी मुहिम जारी है। छतरपुर में अनेक प्रकरण आप देखे जाएँ, चाहे पंचायत से लेकर पटवारी से लेकर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं, खेड़े जी खड़े हुए हैं, कार्रवाई चल रही है, पूरी टीम कार्रवाई कर रही है। और ये रोजगार सहायक हैं जो रगौली के सहायक हैं, जिनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। हमारे साथ खेड़े सर हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की ये कार्रवाई है सर, किसके खिलाफ की गई है सर? एक ग्राम रोजगार सहायक को हमने ट्रेप किया है और ये आवेदक जो है विश्वकर्मा, उनके कुएं के जो किस्त निकलनी थी उसके एवज में पैसे की मांग कर रहे थे और इनको आज हमने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार जो शासन की योजनाएं हैं, हितग्राही रोजगार हैं, उनको लोगों को लाभ मिलना चाहिए, तो ऐसे में ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, तो लोकायुक्त की शरण लोगों को लेनी पड़ती है, सर क्या है? इसीलिए जो है, अगर इस तरह की कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं, शिकायत मिलती उसको तस्दीक करते हैं और उस हम भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हैं। सर, कितनी राशि मांगी गई थी और आज कितनी दी गई है, क्या है? लगभग जो है, आवेदक का कहना है कि 40,000 रुपये की मांग थी, जिसमें से आज 10,000 रुपये किस्त एक किस्त के रूप में देने थे। सर, क्या नाम है इसका रोजगार सहायक? इनका रोजगार सहायक, ग्राम रोजगार सहायक का राम मनोहर मिश्रा है ना, ग्राम पंचायत रनगुआ, जनपद पंचायत छतरपुर। तो बिल्कुल आपने सीधा सुना है कि खेड़े सर का कहना है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोकायुक्त की मुहिम जारी है। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम छतरपुर।